अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज से जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड कप 2023 का जो है वो प्रेडिक्शन सेटअप। अब जो है वो हमारा पहला वार्म अप मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम जो है वो टॉस विन करेंगे। टॉस विन करने के बाद वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे, यानी कि बॉलिंग सेलेक्ट करेंगे। और बॉलिंग के अंदर जो है वो अटैक, हमारा आपको पता है ऑलवेज माशाल्लाह से शाहीन अफरीदी जो है वो अच्छा अटैक करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो है वो कॉनवे जो है वो 50 प्लस स्कोर करेंगे और विलियमसन 50 प्लस स्कोर करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा न्यूजीलैंड का जो टारगेट होगा वो 230 टू 250 की रेंज में होगा, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा है और इंशाल्लाह हम लोग न्यूजीलैंड को जल्दी पकड़ लेंगे और 230 टू 250 के राउंड अबाउट टारगेट सेट होगा। उसके बाद जो है वो मैं आपको बेसिक प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ, जस्ट फ्यू थिंग्स। ऐसा ऐसा हम इंशाल्लाह इसको बहुत डीप लेके जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग अटैक करने के बाद जो है वो न्यूजीलैंड को 230 टू 250 टारगेट में सेट कर देंगे, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आएगी। और इसी के साथ साथ इस बार फखर जो है वो 50 प्लस स्कोर करेंगे वार्म अप मैच में, आप देखेंगे इंशाल्लाह। और जो जिनकी फॉर्म काफ़ी देर से ब्लॉक हुई हुई थी वो फॉर्म इंशाल्लाह जो है वो आपको नज़र आएगी इंडिया के अंदर। और ये मैं आपको पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बाबर आजम एंड फखर समान ये आपको इंडिया के अंदर खेलते हुए बहुत अच्छा नज़र आएंगे, और ये आप इंशाल्लाह एंड ऑफ वर्ल्ड कप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे। तो इसी के अंदर जो है वो फखर समान की 50 या 40 की रेंज में जो है वो स्कोर्स होंगे। इमाम जो है वो ज़्यादा नहीं रन कर पाएंगे, इमाम का जो है वो नॉर्मल सा रन होगा 10-20 के रेंज में। इसके बाद जो है आपको पता है हमारे बाबर आजम है, बाबर आजम की जो है फॉर्म मैं चाहता हूं कि इन मैचेस चले, तो इस मैच में मैं उनको चाहता हूं कि वो भी इतना ना खुल के आए, क्योंकि बेसिक मैं चाहता हूं कि वो इंशाल्लाह फर्स्ट मैच और आने वाले मैचेस के अंदर अपनी 50 स्कोर्स करें और वो जो वो ज़्यादा रन रेट बढ़ाएं अपना। तो आपको पता है रिजवान ऑलवेज जो है वो माशाल्लाह से एक ऐसी नॉक खेल जाते हैं कि जो 40-50 के राउंड अबाउट होती है, तो आपको देखने में मिलेगा रिजवान भी खेलेंगे। और इसके साथ साथ शदाब जो है हम इम्प्रूव करेंगे, शदाब अगर मिडिल ऑर्डर तक बारी आती है तो शदाब जो है इस बार इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप बहुत ज़रूरी है इन सब प्लेयर्स के लिए और ऐसा आगे आने वाले मैचेस के लिए सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उस रन रेट स्कोर करें और जो है वो अपने स्कोर्स को बढ़ाएं और अपने इम्प्रूवमेंट के साथ आने वाले मैचेस और वर्ल्ड कप्स के लिए वो रेडी रहें। तो इसी के साथ साथ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी, एंड विकेट्स में तकरीबन 6 विकेट्स रिक्वायर्ड होंगी, 6 विकेट्स के साथ जो है पाकिस्तान विन करेगी इंशाल्लाह। तो होप्स हो कि हमारी प्रिडिक्शन सही रहे और आने वाले हर मैचेस में हम प्रिडिक्ट करते रहें और इसी तरह एक जो है वो सेटअप क्रिएट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।